तो हम बात करें आज रेडियो के बारे में। रेडियो रेडियो क्या होता है? तो इसके बारे में आप लोग जो है जानेंगे। इसके बारे में जैसे मान लीजिए मेरे पास लार्ज नंबर 10 है और स्मॉलर नंबर 2 है, तो रेडियो का फॉर्मूला क्या होता है? रेडियो का फॉर्मूला होता है लार्जर माइनस स्मॉलेस्ट डिवाइड बाई स्मॉलेस्ट माइनस लार्जर। इसका यूज अलग अलग जगहों पे यूज होता है। सो लार्जर नंबर डिवाइड बाय स्मॉलर नंबर, ये होता है हमारा इस तरह से कि लार्जर नंबर डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट नंबर, और उसके साथ हम जो है इसका लेते हैं ये है वन। फाइव रेडियो वन। तो रेडियो निकालने के लिए आपको कोई लार्जर नंबर या स्मॉल नंबर दे दे, तो सिंपल क्या करेंगे आप, लार्जर डिवाइड बाय स्मॉलेस्ट और उसके साथ हम कंबाइन कर देंगे वन, सेमी कोलन वन, ताकि रेडियो हमारा निकल जाए। अब इसका यूज जो है कहीं कहीं पे होता है, लेकिन मैंने अपने टॉपिक में रख रखा है इसलिए मैंने आपको बताया। तो रेडियो निकालने का ऑप्शन यही होता है। अब 27वें नंबर पे हम आते हैं। 27वें नंबर हमारा आता है फाइंड द रूट नंबर, कि रूट नंबर कैसे फाइंड करेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 625 है हमारे पास, तो हम इसका इसमें पावर, यहाँ हम पावर ले लेंगे और पावर में 1/2 करते हैं, ठीक है। तो ये आपका देखिए 25 रूट नंबर हो जाएगा। तो रूट नंबर निकालने के लिए होता है तो नंबर पावर ऑफ 1/n की कौन सा रूट चाहिए आपको। सर रूट को कैसे लगाते हैं? ये जो ये आपके सामने ये जो दिया ना, ये होता है पावर, ये आपका ये सिंबल कैसे? हाँ ये सिंबल बीस इसके बाद शिफ्ट के साथ 6 दबाइए आ जाएगा। शिफ्ट के साथ। परसेंटेज और एट द रेट के बीच में है, मिला? जी सर। ओके। अब अगला क्वेश्चन हमारे पास 27वां नंबर क्वेश्चन हमारा आता है उसको, नहीं 28 है, 28। अगला क्वेश्चन हमारा है इससे रिलेटेड कि नंबर ऑफ डेज कैसे पता चले। नंबर ऑफ डेज, कि अगर करंट मंथ का ही, तो करंट मंथ के लिए हमारे पास टुडे का फॉर्मूला है ना, टुडे का फॉर्मूला है, तो ये हमसे करंट सिस्टम डेट दिखाता है। मुझे चाहिए कि इस महीने में कितने नंबर ऑफ डेज है, क्योंकि हर महीने में अलग अलग डेज होता है। तो उसके लिए मैं यहां पे डे का फॉर्मूला है और एक ईओ मंथ का फॉर्मूला होता है। ईओ मंथ का फॉर्मूला किसी भी महीने के लास्ट डेट को दिखाता है और डे का फॉर्मूला डेट में से सिर्फ डेज को अलग निकालता है इस तरह से। अब इसी और आता है कि किसी भी डेट का मंथ का लास्ट डेट देखना है, तो आप इसके लिए दो तीन तरीके हैं उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। एक तो है जैसे कि किसी महीने के लास्ट डेट, मैं 27वें नंबर पर 28 29वें नंबर बताता हूँ, इसी से रिलेटेड है अगला टिक्स कि मुझे चाहिए किसी भी महीने की लास्ट डेट। तो एक तो टुडे, एक तरीका जो भी थोड़ा देर पहले बताया आपको टुडे का, कि टुडे में अगर मैं यहाँ पे ईओ मंथ दे दिया, ईओ मंथ इसको सिलेक्ट किया और जॉब कॉमा 0 दे दिया, तो इस महीने की लास्ट डेट आ जाती है, राइट।
लेकिन ईओ मंथ अब जैसे हम लोग वीवीएम इस्तेमाल करते हैं तो वीवीएम में ईओ मंथ डायरेक्ट सपोर्ट नहीं करता, हमें फंक्शन लाइब्रेरी से कॉल करना पड़ता है। तो हम इसका अल्टरनेट चाहते हैं कि आखिर क्या क्या होगा, इसका अल्टरनेट क्या होगा कि ईओ मंथ कैसे पता चलेगा, और ये सही ईओ मंथ का अल्टरनेटिव क्या होना चाहिए। तो हमने यहां पे दे दिया डेट, डेट में हमने ईयर का फॉर्मूला लगाया। ईयर फॉर्मूला क्या करता है, किसी भी डेट से करेंट सिस्टम डेट निकाल के देता है, किसी भी जो टुडे जो सिस्टम डेट है उससे ईयर निकाल के देगा। फिर हमने सेम मंथ यहां यूज किया, मंथ मंथ में हमने टुडे का फॉर्मूला लगाया, तो ये भी जो करेंट सिस्टम डेट है उससे मंथ अलग करके देगा। और यहां पे हमने दे दिया कॉमा वन, तो ये तो आपको उस महीने की पहली डेट देगा, अगर बात करें तो सिर्फ पहली डेट दे रहा है 1 अगस्त, लेकिन अगर मैं मंथ में प्लस वन कर दूं तो क्या देगा, और ओवरऑल में से मैं माइनस वन कर देता हूं, ठीक है। क्लियर है सर? तो ये आपका ईओ मंथ का अल्टरनेटिव है। अब तीसरे नंबर पे आते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इंडेक्स मैच, कि इंडेक्स मैच क्या करता है। तो उसके लिए हमें डेटा चाहिए होगा, मैं डेटा लेता हूं छोटा सा, ओह सॉरी, फॉर्मेट है ना इसका, आंसर में तो इसका आंसर सवाल है, ये छोटा सा डेटा हमने लिया हुआ। अब बात करते हैं वी लुकअप की, तो पहले वी लुकअप के बारे में जाने, तो जैसे हमने यहां पर लिखाया कि वी लुकअप और पूजा को लुकअप करना है, तो हमने डेटा को लिया कि भाई इसमें से पूजा को लुकअप करना है, पूजा का चाहिए जनवरी महीने का, तो कॉलम में 1 और 2 हमने जनवरी का ले लिया कॉमन 0। तो वी लुकअप को पहले समझिए, वी लुकअप क्या है, वी लुकअप वर्टिकल लुकअप होता है, जो कि किसी जैसे कि आप लोग रोल नंबर से अपना रिजल्ट देख लेते थे, या फिर बैंक बैंक के पास जाते हैं तो आपके अकाउंट नंबर से आपका पूरा डिटेल देख लेता है, तो यूनिक आईडी या फिर किसी यूनिक नेम के अकॉर्डिंग हम डेटा को किसी बड़े डेटाबेस से लुकअप करने के लिए वी लुकअप के बारे में जानते हैं। इससे रिलेटेड मैंने बहुत सारे वीडियो पहले भी बनाए हुए हैं, या आपके टॉपिक में भी आएगा डिटेल के साथ, करीब 8-10 घंटे का, 7-8 घंटे का टॉपिक है वी लुकअप, लुकअप मेथड करते हैं इसको। तो इसका इस्तेमाल लगाने का तरीका है लुकअप वैल्यू डेटा एंड कॉलम नंबर, कि किस कॉलम का डेटा आपको चाहिए उसका कॉलम नंबर आप यहां पे दे दीजिए, आपको यहां से डेटा लुकअप कर देगा। अब मैच क्या करता है उस चीज को समझिए, और इंडेक्स क्या करता है दोनों को इंडिविजुअली समझिए, फिर हम उसको कंबाइन करना आपको बताएंगे कि कैसे कंबाइन किया गया है। तो हमारे पास ये हो गया, अब मान लीजिए कि मैच जो है हॉरिजॉन्टल वर्टिकल किसी भी सेल वैल्यू को किसी भी रो एंड कॉलम में सर्च करके बताती है वो है या नहीं है, तो है तो उसका किस रो इंडेक्स नंबर पे है, तो इसे ऊपर से काउंट में बताया कि एक दूसरे नंबर पे है, पहली चीज। दूसरी,
इंडेक्स क्या करती है, वो वी लुकअप के जैसा ही काम करती है कि एक डेटाबेस को आप सेलेक्ट कर लें, उस डेटाबेस में से वो बताता है उस डेटाबेस में से बताता है कि कौन सा डेटा आपका चाहिए। तो हमने बोला कि मुझे छठे नंबर रो और तीसरे नंबर कॉलम चाहिए, तो यहां पे छठे नंबर रो और तीसरा नंबर कॉलम हमने दे दिया, तो ये हमारा वो डेटा 49 ये देखिए ये दे दिया हमारा। राइट, तो इसका बेनिफिट क्या है? तो वी लुकअप में प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डेटा है वो डेटा जो यूनिक नंबर जिसके बिहाफ पे आप सर्च कर रहे हो वो स्टार्टिंग में ही होना चाहिए, स्टार्टिंग में है तभी वो करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। जैसे कि अब मैं यहां जो नेम है हमारा इसको कट करके हम बीच में कर देते हैं, तो अब मेरा वी लुकअप जो है वो यहां से इससे आगे के डेटा को लुकअप करेगा, ये पीछे के डेटा को लुकअप नहीं करेगा। तो मान लीजिए मुझे देव का मार्स का सेल चाहिए, फैन पे हो गया, फैन हो गया, मार्स का सेल चाहिए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले तो मैथ का फॉर्मूला लगाऊंगा, मैथ का फॉर्मूला बताएगा कि डेट का रो नंबर क्या है, रो इंडेक्स नंबर क्या है, काउंट के बताएगा, मैं रो नंबर बताता रो इंडेक्स नंबर, इसने यहां से काउंट किया 1 2 3 4 5 पांचवें नंबर पे डेट है। अब मुझे पता है कि मेरा कॉलम चौथे नंबर पे है और पांचवा नंबर रो हमें मैथ ने बता दिया, तो हम इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएंगे और इंडेक्स फॉर्मूले के अंदर इसको सेलेक्ट कर लेंगे और कॉमा रो नंबर हम मैच वाला ले लेंगे एंड कॉलम नंबर 4 हमें पता है, तो हमारा डेटा 4 मार्च का चाहिए ना, 3 होगा सॉरी तीसरा नंबर 3 पता है, तो हमारा 11 नंबर डेटा आ गया। तो ये हमारा मैच और इंडेक्स का चैप्टर था, तो हमने तीसरा चैप्टर खत्म कर लिया। अब अगली जो हमारी क्लास होगी उसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे चार्टिंग टिप्स के बारे में। राइट सर,